स्टार मैथिली ठाकुर। मैथिली स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले मैं मैथिली ठाकुर के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मैथिली ठाकुर राइजिंग स्टार की रनर अप भी रह चुकी हैं। इससे पहले इन्होंने सारेगामापा, इंडियन आइडल जैसे शो में भी भाग लिया है। जी तो मैथिली कुछ बताइए, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? सारेगामापा में मैं पहली बार गई थी क्योंकि मेरा पहला ऑडिशन वही था लिटिल चैंप्स 2011 में। उसके बाद में इंडियन आइडल जूनियर में गई 2015 में। उसके बाद में आईजीएस करके कॉम्पिटिशन था, उसमें मैं विनर बनी। तो उसके बाद विनर को एक गिफ्ट मिला उस यूनिवर्सल म्यूजिक जो कंपनी है उसकी तरफ से हम लोगों का एक वो म्यूजिकल वीडियो बना, तो उसका भी नाम यार रब्बा है मेरे एल्बम का नाम, वो रिलीज़ हुआ। फिर उसके बाद राइजिंग स्टार में आई। राइजिंग स्टार का एक्सपीरियंस बहुत ही अलग था क्योंकि इसमें कुछ भी रिकॉर्डेड नहीं था, या फिर कुछ भी ऐसा नहीं था कि ये भी रिकॉर्ड किया दो महीने बाद दिखाया। पहली बार ये इंडिया का फर्स्ट लाइव रियलिटी था और उसमें मैं बहुत लकी हूँ कि मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया और मैं इतने आगे तक पहुँची और सबका बहुत प्यार मिला, इतना सारा वोट मिला और बस बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो मैथिली हम लोग डेली बिहार न्यूज़ दशहरा महोत्सव मना रहा है जी, तो मैं चाहती हूँ कि आप शुरुआत कुछ देवी गीत से करें। बिल्कुल, और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं हम लोग का, सबको दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आई होप आप लोग अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हो। तो उससे पहले मैं एक भगवती गीत गाना चाहती हूँ। Thank you.
बताना चाह रही हूँ, ये गाना खास करके हमारे चीफ एडिटर सर परवीन सर के डिमांड पे था आपके लिए, और आई होप आप लोग को पसंद आया होगा, बहुत पसंद आया, और जो ये वीडियो देख रहे हैं हम लोग को भी पसंद आया होगा जरूर, थैंक यू, और आपको एक बार फिर से थैंक यू, हम सबकी भी पसंद, यू आर मोस्ट वेलकम। मैथिली हम सब जानते हैं कि आप मिथिला की हैं जी, तो आज हमारे इस शो में आप मिथिला वासियों के लिए भी एक गाना गा देंगी तो अच्छा रहेगा, और हमारे एडिटर हैं विकास राज, उन्होंने भी डिमांड करा है मिथिला सॉन्ग मैथिली गाएगी। बिल्कुल मेरा फेवरेट गाना, इनफैक्ट सब लोग को ये बहुत पसंद है, जहने किशोरी मुरी में चाहती, और सर ने भी बोला था, एडिटर सर ने भी ये गाना उनका फेवरेट है, तो मैं वही गाना चाहती हूँ जहने किशोरी। जहने किशोरी मुरी
हमारे इस शो के लिए यूजर्स की तरफ से भी कुछ डिमांड आई है। यूजर्स की भी तरफ से डिमांड? हाँ जी बोलिए। हमारे फेसबुक पेज पे हाँ चलाया गया था कि हमारे साथ शाम में राइजिंग स्टार मैथिली ठाकुर जुड़ रही हैं, तो आप भी कुछ उनसे सॉन्ग सुनना चाहते हैं तो आप मैसेज करें। अच्छा, तो कुछ हमारे यूजर्स भोजपुर के भी हैं, आरा के भी हैं, तो उन्होंने गाने का नाम तो नहीं लिखा है बट ये बोला मैथिली से मैं आज भोजपुरी में कोई सॉन्ग सुनना चाहता हूँ। भोजपुरी में आता है, गा सकती हैं? भोजपुरी में आता है। भोजपुरी में आता है। तो भोजपुरी में भगवती गीत या ऐसा कुछ भी नहीं, भगवती गीत बस वो लोग भोजपुरी सॉन्ग सुनना चाहते हैं। कोई भी फिल्मी कोई भी सॉन्ग हो।
दर्शक की फरमाइश, डीवीएम टीम की फरमाइश, अब कुछ आप अपनी पसंद का गा दीजिए। हाँ, मैं अपनी पसंद से गाना चाहती हूँ। इनफैक्ट मैंने ये कभी वैसे गाया नहीं है, कभी सोशल मीडिया पर भी नहीं गाया, लेकिन मेरा फेवरेट है और मैं काफ़ी दिनों से सुनती आ रही हूँ गाना। मैं चाहती हूँ फेवरेट, और आपने कहीं गाया नहीं है? हाँ, क्योंकि मैं सोच रही थी कहाँ गाऊँ कहाँ गाऊँ, मैं पहली बार यही तो गाऊँगी। ये हौसला कैसे झुके ये मेरा फेवरेट गाना है। हवा के जैसे चलता है तू,
अच्छा।